गणपतिपुली का ट्रिप समय से हमारे बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत ही अच्छा मेमोरेबल ये भी ट्रिप रहा है हमेशा की तरह। एंड अगर आप आ रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए, जो भी होटल आप बुक करेंगे मेक श्योर होटल टेम्पल के नज़दीक हो, बिकॉज टेम्पल के नज़दीक बीच भी मिल जाएगा आपको, एंड इट शुड नॉट बी वेरी फार अवे। ज़्यादा दूर वाले होटल्स आप मत लीजिए, आपको चीप रेट में मिलेंगे, बट आप समझिए बात को, बिकॉज उसमें ट्रैवलिंग में आपको बहुत हेक्टिक हो जाएगा। सो जो आपके एंड इट्स वेरी इजी अवेलेबल, वहाँ पे बहुत सारे होटल्स आते हैं नियर टू द टेम्पल, तो आप प्रेफर कीजिए पहले जब आ रहे हैं तो यू नो नियर जो बीच है और टेम्पल के होटल्स हैं उनको पहले प्रेफरेंस दीजिए। एंड जो मेरा होटल था इट्स वेरी वॉकेबल डिस्टेंस, अबाउट 2 to 3 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस है, कॉल अतिथि ग्रैंड। एंड फाइनली हम लोग इधर का जो बीच का मजा ले रहे हैं, बीच काफ़ी इधर अच्छा है यहाँ का अभी, क्योंकि नए नए इधर राइड्स वगैरह भी निकले हुए हैं, कुछ साल पहले हॉर्स राइडिंग वगैरह नहीं था। सो दोस्तों आपको अच्छी लाइफ के लिए चाहिए आपके सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स विच गिव्स यू अ गुड रिटर्न्स। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था HDFC मिड कैप फंड के बारे में, सो मेरे पास अभी एक और फंड आया हुआ है विच गिव्स अ रिटर्न्स ऑफ अबाउट मोर देन 60 to 70% इन 1 ईयर। सो आप अगर इंटरेस्टेड है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर सकते हैं, या मेरा रजिस्टर नंबर है उसमें अपना KYC फॉर्म सेंड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में कॉल आएगा हमारी कंपनी की तरफ से, एंड कंपनी आपको डायरेक्टली कॉल करेगी एंड आपका KYC वगैरह सब कंप्लीट करेंगे इफ़ द कंपनी इज सेटिस्फाइड विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, देन यू विल बी अलाउड टू इन्वेस्ट इन द फंड विद अ वेरी गुड रिटर्न्स। यहाँ पे एक अलग सा सुकून और पीस मिलेगा आपको आने के बाद, जो मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको वहाँ नहीं आके यहाँ पे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इवन रोमू एंड यू आर वेरी हैप्पी एंड इनका मस्ती चल रहा है, दे आर प्लेइंग विद ईच अदर। एक हार्डली कुछ महीने का है और एक का अभी 4 ईयर्स कम्प्लीट हुआ है, बट इनका काफ़ी अच्छा बहुत ही अच्छा बॉन्ड हो गया है बहुत ही कम टाइम में, एंड दे आर लाइक क्योंकि मैं देखता हूँ खेलते हो ना लाइक आई कैन अंडरस्टैंड, लोग एक दूसरे की भाषा ही समझ जाते हैं एंड यहाँ पे आके ना मेरी स्किन अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज लग जाती है, आई डोंट नो व्हाई, बट पानी बहुत अच्छा है यहाँ का, नेचर बहुत अच्छा है, रियली 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 लव, मतलब ऑलमोस्ट यार 6-8 बारी आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे गणपति पुले। पहले हम दोनों आया करते थे, फिर एक 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 जैसे जैसे हम आने लगे, 3 साल हम अकेले आए दोनों, 4th साल ईवो आई, 5वें साल अभी ये आया, अब 6वें साल बोलते ना ये और एक आएगा, ये बोलते ना ऐसे चलता रहेगा है कि नहीं? अच्छा नहीं 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 ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट जोकिंग, मोटो बस हो गए मेरे लिए, दो काफ़ी है। आपने अच्छा इवन है पापा को अलाउड ही है, बिट्टू और ईवा ही अलाउड है, मज़ा है ना, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हाँ ना, और सीरियसली बोलो ना, एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ 2 बेबीज इट्स अ टफ जॉब ऑनेस्ट नोट पे, एंड मुझे सच में ब्रेक की रिक्वायर्ड थी, एक टाइम ऐसे आ गया था कि लिटरली मैं ना आई वॉज फाइटिंग विद मनीष, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ज़्यादा, बिकॉज संभालना यार हैंडल करना इट्स नॉट ईजी, एंड यूजुअली कैसे ना हो जाता है यार, तंग हो जाता है इंसान, मतलब हमको ब्रेक की ज़रूरत होती है एज अ मॉमीज, सो वो ब्रेक ही नहीं मिल रहा था मुझे, एंड आई रियली रिक्वायर्ड, तो इधर आके मैं फुल चील हो गई, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ थैंक गॉड कि ये लोग भी आए हैं यहाँ पे ना, तो ऐसे मज़े से ऐसे सो रहे हैं एंड दे आर लाइक चिलिंग कम्प्लीटली, सो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे, बिकॉज मैं आते वक्त ना मुझे ट्रैवलिंग के टाइम पे मुझे ऐसे टेंशन हो रही थी थोड़ी बहुत, पता नहीं ये लोग स्पेशली रोहू कि भाई रहेगा कि नहीं, रोते रहेगा या पता नहीं इजी रहेगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम उसको घर से बाहर इतना दूर हम आए हैं लेके, सो इट्स लाइक एवरीथिंग वॉज टिल यार, तो टचवुड सब कुछ ठीक ही रहा है, तो एक्सपीरियंस वॉज गुड एंड समबडी इज़ बिजी टू सी इन मैच, तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बच्चे भी देख रहे हैं तो मैं भी चिल हो के अभी बैठूंगी वजह से।